हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट पे है। 6 नेशनल पार्क बन गया है ये असम का, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन जो है वो इस पर शुरू करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ जून के महीने में, किस डेट पे होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस समय असम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंडर ये आता है और बॉर्डर कर रहा है ये भूटान को, इसको अपग्रेड कर दिया 6 नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। ओके, पहले 5 नेशनल पार्क थे, इसको 6 नेशनल पार्क बना दिया गया एनवायरनमेंट डे पे। यहाँ पे ये पोस्टर आप देख सकते हैं, रायमोना नेशनल पार्क, जायंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टुवर्ड्स फुलफिलिंग UN मिशन ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये इस बार इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एनवायरनमेंट डे का थीम था, डिक्लेयर किया गया इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने सवाल ही जो पूछा था उसका आंसर आ गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असम में जितना भी रिच फ्लोरा एंड फाउना है उसको प्रिजर्व करने का ये एक तरीका है, एक अच्छा स्टेप है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये BTR के अंदर आता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर आता है। और ये जो पूरा फॉरेस्ट पैच है यहाँ पे टोटल एरिया आप देखेंगे 422 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। नॉर्दर्न पार्ट जो है आपका नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का, और उसके साथ साथ इंडो भूटान बॉर्डर भी आपका यहाँ पर लगता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं असम में, देखिए 1, 2, 3, 4 ये वाले जो जगहें हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी। तो ये आपको याद रख सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा भी ये कहीं पे काम आ सकता है। अब इस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, गोल्डन लंगूर, एशियन एलिफेंट्स, टाइगर्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, इंडियन गौर, वाइल्ड बॉफलो, स्पॉटेड डियर, हॉर्नबिल और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बटरफ्लाइज 150 स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की हैं, बर्ड्स के अराउंड 170 स्पीशीज़, और प्लांट्स की अगर आप बात करें और ऑर्चिड्स की अगर बात करें 380 वेराइटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ये जो नेशनल पार्क है आप देखेंगे ये कॉन्टीन्यूटी में है, जो फॉरेस्ट पैचेस हैं आपके फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जिग्मे सिंगे नेशनल पार्क के भूटान। टोटल एरिया 1999 स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ, ट्रांस बाउंड्री कॉन्जर्वेशन इसको कहा जाता है। देखिए अगर ये बाउंड्री है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे भूटान है, ओके, बीच में ये आपका बॉर्डर आ गया। अब भूटान ने अपने बॉर्डर के इस एरिया में कोई नेशनल पार्क बना रखा है। अब जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो किसके लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। अब बर्ड्स को पता चलेगा क्या ये इंडिया है, अब क्रॉस करके मुझे भूटान में नहीं जाना है, ये तो दूसरा देश है, नेपाल नहीं जाना है, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। और अगर भूटान यहाँ पर प्रिजर्व कर रहा है एनिमल्स को और इंडिया के यहाँ पर एरिया में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन एनिमल्स को नहीं मिल रही, तो इससे इस देश के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। ओके, तो इसलिए ये ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन जो मैकेनिज़्म है ये बहुत अच्छा है। भूटान में जितने थे पहले वो अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दे रखी है। और अब जो इंडिया ने भी इसको नेशनल पार्क बना दिया तो यहाँ पर 2400 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन आ चुका है। तो ये आप भूटान में देख सकते हैं, देखिए फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, जिग्मे सिंगे नेशनल पार्क है। तो इसके साथ साथ जो इनकी बाउंड्री अब यहाँ पे असम के साथ लगती है वहाँ पे भी आपका नेशनल पार्क आ जाएगा। तो इस तरह के जो सिक्योर्ड ट्रांस बाउंड्री इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स हैं ये एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन आपको एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए मिलेगी। एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए जो पर्टिकुलर एक जोग्राफिक लोकेशन पर आपको मिलते हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर हो गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गए, जैसे कि आपका एशियन एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ऊपर से आपका फ्लोरा और फाउना भी यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा। अब इस चीज़ को बहुत से लोगों ने सराहा है, जैसे कि आपका ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन है, ABSU अप्रिशिएट किया है इसको और गवर्नमेंट को ग्रैटिट्यूड भी बताया कि बहुत अच्छी बात है। और लोकल पीपल जो हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है, किसी भी एरिया में नेशनल पार्क बनेगा या कोई इस तरह की एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की कोई जगह बनेगी तो उसका मतलब है उन लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इको टूरिज़म की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी विलेजेस के लिए, जो कि टोटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते थे। अब उनका रोज़गार और भी बहुत सारी चीज़ों से चलेगा क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। अब इंडिया का टोटल नेटवर्क 868 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। टोटल एरिया आप यहाँ पे जोग्राफिकल देख सकते हैं देश में कितना, और परसेंटेज देखेंगे तो 5.02%। अब ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। ये पीडीएफ में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितना एरिया टोटल कवर करते हैं और टोटल इंडिया का 5% एरिया आपका प्रोटेक्टेड लैंड में आता है। अब ये 6 नेशनल पार्क है मैंने आपको कहा, बाकी के जो नेशनल पार्क्स हैं असम में उनको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये आपका पूरा नेशनल पार्क्स ऑफ असम, ये आपका यहाँ पे टॉपिक कवर होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेशन स्टेट ऑफ असम में है, अराउंड 42,999 हेक्टेयर्स एरिया जो है कवर करता है। सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है, ये ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन जो है, और देखिए यहाँ पे काजीरंगा का है, ये वाला एरिया आपका काजीरंगा का है। नेक्स्ट इसका लीगल स्टेटस आप देखेंगे, नेशनल पार्क 1974 में मिला था। ये सारी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2007 में, और एरिया आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इंटरनेशनल स्टेटस, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है 1985 से, और ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बोलती है। और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ आपके इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, जैसे वन हॉर्न राइनो आ गया, और उसके बाद आपकी पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी वन हॉर्न राइनोज़ आपको वर्ल्ड के मिलेंगे, और बिग 4 स्पीशीज़ राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बॉफलो, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपका नेशनल पार्क आता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। साउथ बैंक जो है ब्रह्मपुत्रा का असम में, वहाँ पे ये पाया जाता है, यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ये, और यहाँ पे लोकेशन के साथ साथ देखिए ये जो एरिया है, ये सारा आपका ये वाला एरिया है। और मैमल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, गैंगटिक डॉल्फिन, हुलॉक जबॉन, और इसमें जो मागुरी मोतापुंग वेटलैंड है, ये भी इस रिजर्व का एक पार्ट है। उसके बाद आपका नेशनल पार्क आता है मानस नेशनल पार्क, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। और हिमालयन फुटहिल्स जो हैं आपके असम की, ये वहाँ पे आपको मिलता है। और जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में, उसके साथ ही कॉन्टीन्यूटी में ये बना है, और ये ओरिजिनेट होता है, इसका नाम भी मानस रिवर पर रखा गया है। सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे बहुत सारे रेयर और एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्डन लंगूर और असम रूफ टर्टल, ये आप देख सकते हैं। और फेमस यहाँ पे आपकी वाइल्ड वाटर बॉफलो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे असम में आपकी वाइल्ड लाइफ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, देखिए इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे पागरांग है, सिर्फ इकलौता विलेज है जो इस एरिया में मानस नेशनल पार्क के अंदर आपको मिलेगा। यूजुअली कई बार विलेजेस नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इकलौता ये विलेज है जो आपको मिलेगा। और उसके बाद मानस रिवर जो फ्लो करता है वेस्ट ऑफ द पार्क में, तो देखिए मानस रिवर भी यहाँ पे फ्लो करता है वेस्ट ऑफ द पार्क से। मानस मेजर ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर की है, जो मानस आपका रिवर है। और जो सरपेंट सांपों की जो गॉडेस हैं मनासा, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसके बाद नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, असम में 1990-2000 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये भी ईस्टर्न हिमालयाज़ के जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे आपको मिलता है। इट इज़ ऑन द इंटरस्टेट बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, तो ये इंटरस्टेट जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये वहाँ पे है। फिर पाके टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश एडजॉइंस इट ऑन इट्स नॉर्थ, तो इस टाइगर रिजर्व के साथ जो अरुणाचल का टाइगर रिजर्व है वो भी टच होता है। उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क है, या राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। ये दारंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं असम के, जिनका आपस में डिस्टेंस आप देख सकते हैं, अराउंड 100 किलोमीटर्स है फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और लोकेशन देखिए यहाँ पे इसकी मैप में, यहाँ पे आपका असम के मैप में ओरांग नेशनल पार्क है। और एरिया अगर आप देखेंगे इसका 79 स्क्वायर किलोमीटर है। बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस है ये पार्क। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें ओरांग नेशनल पार्क की, तो इसकी हिस्ट्री जो है वहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड पैटर्न ऑफ हैबिटेशन है। पहले यहाँ पे एक लोकल एथनिक ग्रुप भी रहता था 1900 तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरह की डिजीज़ हो गई कि सारे लोग यहाँ से, ट्राइबल जो एरिया थे वो इस एरिया को छोड़ के चले गए। तो बाकी आप इसके बारे में सवाल, अब इसका क्वेश्चन जो है आप बहुत इजीली इसको दे सकते हैं। रिसेंटली डिक्लेयर्ड, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली ये सवाल आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है ये रायमोना नेशनल पार्क। ये किस स्टेट में है? तो आप बहुत इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं अपडेट इसको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज। थैंक यू सो मच।